हर महीने में मिलता है, हर महीने में आता है, सब बेचते हैं। सरकार ने बाल विकास परियोजना के तहत गांव-गांव आंगनबाड़ी केंद्र खोला है, जिससे गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं व बच्चों की स्वास्थ्य पोषण की सुरक्षा हो सके। परंतु सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियाज ब्लॉक के सुहेलवा गांव में किरण कुमारी सहित 25 महिलाओं व 50 बच्चों तक पिछले 2 साल से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के द्वारा ड्राई राशन नहीं दिया जा रहा है। आइए चलते हैं, इन समुदाय के लोगों से मिलते हैं, मिलकर जानने का प्रयास करते हैं कि आज तक जब सरकार के द्वारा हर महीने ड्राई राशन मुहैया कराया जा रहा है, तो आज तक इस गांव में ड्राई राशन क्यों नहीं वितरण हो रहा है और ये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहा है। चलते हैं, इन समुदाय से मिलते हैं, मिलकर जानने का प्रयास करते हैं कि आज तक इस गांव में ड्राई राशन क्यों नहीं वितरण हुआ। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के द्वारा कितने दिन से ड्राई राशन नहीं दिया जाता? 2 साल। 2 साल तो आपने किया जाता है कि और औरतों को? अरे इतने जितने हैं इस गांव में किसी को नहीं मिलता। लगभग कितने औरतें होंगी? 25-30 तो होंगे ही। और बच्चे कितने हैं जिनको नहीं मिलता? बच्चे तो कम से कम 50 होंगे, किसके पास जाए, कोई सुनता ही नहीं, जिससे कहो बस हाँ हाँ यही सब बोलते हैं। अच्छा, तो ये राशन 2 साल के ऊपर बता रहे हैं, तो ये अगर बांटते नहीं तो क्या करते हैं? बेचते हैं और क्या करते हैं, बेच लेते हैं सारे जिसमे आते हैं सब। कोई अधिकारी कर्मचारी इस गाँव में आते हैं? कोई नहीं आता, ये पूछने भी नहीं आता है कि तुमको मिलता है राशन कि नहीं मिलता है, बच्चों को मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर राशन मिलने लगे तो उससे क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। क्या क्या फायदा होगा? अरे बच्चों का भी फायदा होगा, खाएंगे जो मिलेगा, हम लोगों को फिर फायदा होगा। हाँ तो मेरे बच्चों को मिलता है ये सब, और हर एक जगह मिलता है लेकिन इस गांव में नहीं मिलता। सरकार दे रहा है ना, अपने घर से थोड़ी ना दे रहे हैं, लेकिन आपत्ति इन लोगों की क्यों है? इनको सबको तो देना चाहिए, फिर भी नहीं दे रहे हैं। हर महीने में मिलता है, हर महीने में आता है, सब बेचते हैं। अब ना दिया था तो दिक्कत काहे नहीं होती? सरकार दिया था तो ना दिया था तो दिक्कत काहे नहीं होती? गरीब मनाई है लड़कियन बच्चे को, ये नहीं देते हैं फिर क्या करते हैं? अब बेचत खाते हैं और क्या करें? तो आप नहीं देते हैं कि पूरे गांव के लोग? पूरे गांव का ना देते, 25-30 औरत को। और बच्चों को कितना है? बच्चे 50 बच्चे हुए ना मिले। अच्छा, ना मिलने से क्या दिक्कत होता है आपको? अब काहे नहीं दिक्कत है, सरकार दिया था तो ना दिया था तो दिक्कत काहे नहीं है गरीब मनाई को? केहू ना है, कहूँ केहू होते ना है तो कहाँ शिकायत करी है? कहाँ नहीं फायदा होगा, लड़के बच्चे खाई है, फिर गरीब लड़के बच्चे हैं, सब एक तबियत थोड़ो ना है। अरे अब दिक्कत काहे नहीं हो, तो सब पावत है, हमें ना ही पाई थे, हर जगह मिलत है, यही ना ही मिलत है। तो कितने लोग को ना मिलत है आपके? अरे पूरा गाँव में से 2-4 घर ना ही पाई हुई, नहीं तो पक्को साल हम तो जन से पौते नहीं, वो जब मिला रहा तो सबको मिला रहा, नहीं केहू नहीं मिला, मिलेगा सबको बंद है गए आई बे नहीं किया। अब उठाए कहाँ से लावत हुए, सब लोग चाहे ना दिए हुए हैं। तो ये बताओ क्या करते हैं अगर लावत है वितरण नहीं होते? बिया चढ़ाते हैं और क्या करते हैं, उन्हें दाई देते हैं, कहाँ अपन पहचान बनाए हैं, व्यवहार बढ़िया। समुदाय के लोगों को इकट्ठा करके मीटिंग किया गया, मीटिंग करने के बाद फिर समुदाय के लोगों को वीडियो दिखाया गया, वीडियो दिखाने के बाद फिर उससे संबंधित अधिकारी CDPO के पास हमने फ़ोन कर सारी समस्या बताई, फिर CDPO के द्वारा आश्वासन दिया गया कि इसका हम जांच कराकर और जल्द से जल्द राशन वितरण कराएंगे। फिर उसके बाद हम ब्लॉक पर जाके CDPO से मिलना चाहे, लेकिन वो फील्ड पर गए थे, मेरा भेंट नहीं हो पाया। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस गांव में ड्राई राशन वितरण हो, जिससे इन समुदाय के लोगों को ड्राई राशन मिले। मैं ब्रह्मजीत, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।